नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इस नए वीडियो में सभी का स्वागत है। हम आ चुके हैं एक बार फिर से एक नया लेटेस्ट वीडियो आप सभी के सामने लेकर। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं रिंग रोड फेज 3 का वीडियो आप सभी के सामने लेकर। इस समय फ्रेंड्स हम हैं महादेवपुर में और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लिडवापुर की तरफ, जहाँ शिवालय पड़ते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही देरी के साथ काम हो रहा है। इधर का रोड जो है वो कम्प्लीट हो चुका है और ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़ूम कर देता हूँ मैं, यहाँ पर जो रोड बन रहा है यहाँ पे अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मिट्टी फेंकने का काम चल रहा है और मिट्टी पूरी तरीके से अभी पाटा नहीं गया है। ये पाटने के बाद ही यहाँ पे रोड बिछाने का कार्य किया जाएगा। इधर भी रोड का काम बहुत ही कम हुआ है, यानी 9 के बराबर, जो कि आप सभी के सामने देख सकते हैं। इधर पूरा बाकी है। यहाँ पे फ्रेंड्स काफ़ी लेट मिट्टी भी फेंका गया था और अधिग्रहण का काम तो चल ही रहा था, लेकिन यहाँ पर मिट्टी फेंकने का जो काम था वो काफ़ी लेट हुआ है। इसी की वजह से यहाँ पे रोड नहीं बन सका है। और ये ऊपर देख सकते हैं कि पूरा डिवाइडर लगा दिया गया है, इसी के बेस पे मिट्टी को टिकाया जाता है। इसके बाद मिट्टी पटने के बाद यहाँ पे रोड का काम शुरू होगा। फिलहाल इधर देख सकते हैं साइड साइड में इधर बिल्कुल भी काम नहीं हो पाया है। फ्रेंड्स, रोड बनने के बाद यहाँ पे एक ठेका भी शुरू हो गया है, यानी शराब की दुकान, जहाँ पे आसानी से आके लोग मदिरा पान कर सकते हैं। यहाँ का रोड है, ये बन जाने लोग यहाँ पे खुश हैं और काफ़ी अच्छा आय भी एक ग्रोथ हो जाएगा आने का, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अगर शॉप खोल के बैठ भी जाएंगे तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी इनकम हो जाएगी। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे शराब के दुकान के साथ ही एक नया दुकान खुल रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पे आके आनंद उठाते हैं। और फ्रेंड्स, ये रोड का काम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है, जो कि लगभग हर जगह का काम कंप्लीट हो गया है। बस बाकी है तो वो है गंगा जी में केबल ब्रिज, जो कि अभी 2 साल के आसपास लगेगा। ये देख सकते हैं, ये कुछ आगे भी ले चलते हैं, आप सभी को दिखाते हैं पुराना नज़ारा। फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट करते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। ये देखिए अभी न्यू रोड बना हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ये बनाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे सिंबल देख सकते हैं, हर एक डिवाइडर पे सिंबल लगाया गया है। यहाँ देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पे रोड बन रहा है दोस्तों। हम आ चुके हैं लिडवापुर गांव में, इसी से सटा हुआ ढेर सारा काम है। साइड साइड में ये स्पेस भी छोड़ा गया है। और ये अंडर पास बनाया गया है पानी के लिए। जिसका रोड गया है उससे काफ़ी अच्छा मुआवजा मिला है इसमें।
ऐसा बताया जा रहा है। कुछ लोग असंतुष्ट भी हैं, यानी कुछ लोग जो हैं उनको नहीं भी मिला है, यानी जो रेट था उसी रेट के आसपास मिला है, किसी को जैसा संतुष्ट नहीं है। और जिसे अच्छा खासा पैसा मिला है वो काफ़ी संतुष्ट है, काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठा रहा है, एक दुकान भी खोल देगा अगर साइड में थोड़ा सा गया है तो, काफ़ी अच्छा चलेगा दोस्तों। यहाँ का रोड पूरा बन गया है पूरी तरीके से, एक रास्ता यहाँ पर छोड़ा गया है। काफ़ी दूरी तक वर्क हो रहा है ये सब। जब रोड बना था फ्रेंड्स, मैंने वीडियो बनाई है, आप सभी नहीं देखा तो एक बार ज़रूर जाके देख लें कि किस तकनीक से इस रोड को बनाया गया है। अभी इसके ऊपर एक लेयर और बिछाई जाएगी, जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा रोड तब। फोर लेन का खाका तैयार कर दिया गया है, अब आगे का जो प्रोसेस है टू लेन का बनाया गया है, यानी रोड पुल से जब आएंगे तो ये दो लेन का बनाया जा रहा है। फोर लेन कहा गया है लेकिन यहाँ पे टू लेन ही बन पाया है, यहाँ से विभाजित हो गया है रोड फोर लेन के लिए। यानी इधर का जो हिस्सा है पुल की तरफ का, ये पुल टू लेन ही बनेगा, फोर लेन नहीं बनेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं फोर लेन के लिए जगह ही नहीं है। यहाँ से होने के बाद वहाँ थोड़ा सा आगे जाने पे ये कट होगा और फोर लेन में तब्दील हो जाएगा। तो फोर लेन केबल ब्रिज का आधारा छोड़ दीजिए, सिक्स लेन का भी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप सभी देख ही सकते हैं किस तरह का यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। इधर का तो रोड तैयार हो गया है लेकिन आगे का जो हिस्सा है वो टू लेन का ही है, तो आपको यहाँ आने के बाद पता चल जाएगा या ये वीडियो देखने के बाद भी आपको पता चल ही जाएगा कि यहाँ पर फोर लेन नहीं टू लेन केबल ब्रिज बनेगा। कुछ आगे जाने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स फोर लेन में बन जाएगा आगे जाने के बाद। तक रोड बन गया है और आगे नहीं बना। तो इधर फ्रेंड्स हम पैदल चलेंगे क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है, नहीं रोड वगैरह कुछ भी नहीं बना हुआ है, गिट्टी ही देख सकते हैं। तो रोड जो बना था इतने ही दूर बना है, तो देख सकते हैं कितना रोड तैयार हुआ है और कितना बाकी है। अभी कमेंट जरूर करें और एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमेशा ऐसे ही वीडियो आप सभी को हर रोज़ देखने को मिलेगा, चाहे वाराणसी को हो, चाहे मुगलसराय हो, चाहे फिर कहीं का हो, हर रोज़ आपको वीडियो मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं रिंग रोड का जो रोड बन रहा है, यानी पुल के समांतर यहाँ से, तो यहाँ पे काफ़ी ऊंचाई की गई है, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी पाटा गया है जो कि आप सभी के सामने है। तो देख सकते हैं कितना सारा मिट्टी और कितनी सारी ऊंचाई, देख सकते हैं खंभा भी जो है खंभे को क्रॉस कर गया है, खंभे के ऊपर भी है, बहुत सारा काम हो रहा है दोस्तों। इधर देख सकते हैं कि कितना सारा मिट्टी यहाँ पाटा गया है।
घर पूरा खंभा का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है, देख सकते हैं। देख सकते हैं सभी तरह बना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं किस तरीके से ढलाई हो रहा है और कितना काम हुआ है। उनको दूढ़ बन गया है, ढेर सारा बन गया है, छह बन चुका है पूरी तरीके से, नहीं अधूरा ही बना है अभी। गोल बनाकर उसके ऊपर ढलाई हो रहा है। Thank you.